क्या मुलायम के गढ़ मैनपुरी में टकराएंगे यादव परिवार के दो दिग्गज? सपा का किला भेदने के लिए बीजेपी ने बनाया ऐसा प्लान, बिगड़ सकता है अखिलेश का पूरा खेल। क्या मैनपुरी से अपर्णा को उतारने की तैयारी में है बीजेपी? सीएम आवास तक पहुंची बात। मुलायम के बाद पूरे यादव परिवार को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है, लेकिन चाचा शिवपाल सिंह यादव से लेकर अपर्णा यादव तक की सियासी राहें अलग हो चुकी हैं, और मुलायम के बाद पहले ही इम्तिहान में अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ऐसी चुनौती खड़ी कर रही है जो अखिलेश के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। अखिलेश अपने ही परिवार से किसी सदस्य को मुलायम की विरासत संभालने के लिए उतारने वाले हैं। माना जा रहा है तेज प्रताप सिंह यादव, शिवपाल या डिंपल में से किसी एक को मैनपुरी सीट पर उतारा जा सकता है। अखिलेश के इसी दाव को काउंटर करने के लिए बीजेपी भी मास्टर स्ट्रोक लगाने वाली है। खबर यह है कि बीजेपी इस सीट पर यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव को टिकट देने की तैयारी में है। जिस सीट पर दशकों से मुलायम सिंह को कोई मात नहीं दे पाया, मुलायम के बाद उसी सीट पर बीजेपी अपर्णा को उतार कर अखिलेश के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादव शाक्य पाल लोधी जैसी ओबीसी की जातियों का बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। सीएम योगी के आवास पर मैनपुरी फतह करने के लिए रणनीति बनाई जाने लगी है। अपर्णा यादव को टिकट दिए जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मैदान में कौन आएगा, एक बात पक्की है इस बार कमल ही खेलेगा। 2019 में बीजेपी के प्रचंड सुनामी के बीच भी मुलायम सिंह यादव ही मैनपुरी से जीते थे। उस वक्त मुलायम सिंह ने बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्या को हराया था। इस चुनाव में मुलायम ने 54% वोट हासिल किए थे और बीजेपी को 44% वोट मिले थे, यानी मैनपुरी में बीजेपी के वोट प्रतिशत में बड़ी बढ़त देखी गई थी। मुलायम के निधन के बाद से बीजेपी सपा के उन स्थानीय नेताओं से भी बातचीत कर रही है जो मुलायम के कारण सपा से जुड़े हुए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी में जाने का फैसला लिया था। उस वक्त बीजेपी ने अपर्णा को किसी भी सीट से टिकट नहीं दिया था। अगर अब अपर्णा मैनपुरी से मैदान में उतरती है तो यादव परिवार के ही दो दिग्गजों के बीच चुनावी मुकाबला होगा। हालांकि इटावा के पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्या, विधायक ममतेश शाक्या, प्रेम सिंह शाक्या, राहुल राठौर के अलावा प्रदीप चौहान के नाम भी मैनपुरी से टिकट को लेकर चर्चाओं में है। मैनपुरी और रामपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे आएंगे। अखिलेश के लिए मुलायम के बाद ये पहला इम्तिहान है। पार्टी और परिवार दोनों को साधना अखिलेश के लिए पहले ही चुनौती बना हुआ था। अब अपर्णा के नाम की चर्चा ने अखिलेश के टेंशन को और बढ़ा दिया है। अगर अपर्णा मैदान में आती है तो देखना दिलचस्प होगा बीजेपी या सपा बाजी कौन मारता है। देखते रहिए जनसत्ता.com।